सोलन से कर्नाटक के लिए सेब की 566 पेटी लेकर निकला ट्रक रास्ते से ही गायब हो गया, जिसके लिए आरती ने सोलन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस सिलसिले में ट्रांसपोर्टर को हरियाणा के जीरकपुर से पुलिस ने हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया, जहां से उसे एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। सोलन सब्जी मंडी में आरती का काम करने वाले हंसराज ने 5 अक्टूबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि करीब 10 लाख कीमत की 566 पेटी सेब से लदा ट्रक निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंचा है। ट्रांसपोर्टर पर उसकी सेब की पेटियां कहीं अन्य स्थान पर बेचने की बात कही गई थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. शिव कुमार शर्मा ने बताया कि इस पर पुलिस लगातार आरोपी सतविंदर की तलाश में जुटी थी, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद हिरासत में लिया गया और अदालत में पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस आगामी जांच में जुट गई है। 5 अक्टूबर 2018 को हमारे पास एक FIR दर्ज हुई थी पुलिस स्टेशन सदर में। मिस्टर हंसराज हैं, यहाँ पे सब्जी मंडी में वो आरती का काम करते हैं। उन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी कि उन्होंने अपनी 566 बॉक्सेस एप्पल के, जो कि गंगावती के लिए उन्होंने भेजने थे, वो ट्रांसपोर्टर हैं मिस्टर सतविंदर, उसके माध्यम से भेजे थे। और वो जो 566 बॉक्सेस थे, जिनकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जाती है, वो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे। और उनका एलिगेशन ये था कि जो ट्रांसपोर्टर हैं, इसने इन जो सेब के बॉक्सेस हैं, इनको कहीं और जगह बेच दिया है। इस पे पुलिस ने 406 IPC में केस दर्ज किया था और इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। इसी कड़ी में 22 तारीख को मिस्टर सतविंदर अलायस बिट्टू, इसका नाम है, इसको अरेस्ट किया गया है और इसका एक दिन का पुलिस रिमांड लिया था। आज इसको फिर से कोर्ट में पेश किया जा रहा है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन हर पहलू पे जारी है कि इसने कहाँ बेचा है और किसकी इसने मदद ली है, क्या कोई कागज बनाए हैं, हर पहलू पे जो है इसमें जांच जारी है। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप की रिपोर्ट।